हरियाणा सरकार ने एक शब्द पर प्रदेश भर में बैन लगाने का फैसला लिया है। वो शब्द है गोरख धंधा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसके आदेश जारी किए हैं। नाथ पंथ के अनुयायियों ने मुख्यमंत्री से इस शब्द पर रोक लगाने की मांग की थी। हरियाणा में आम बोलचाल की भाषा में अनैतिक कामों के लिए लोग गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब किसी तरह के गलत कामों, ठगी, धोखाधड़ी आदि कारनामों के लिए गोरख धंधा शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। इस शब्द पर बैन लगाते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 18 अगस्त को कहा कि शब्द का आधिकारिक भाषा, भाषण या किसी भी तरह से इस्तेमाल करने में गुरु गोरखनाथ के अनुयायियों की भावनाएं आहत होती हैं। किसी भी तरह से इस शब्द के इस्तेमाल को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि शब्द को बैन करने को लेकर मांग उठी हो। ऐसी मांग राजस्थान में भी उठी थी। इसी साल जुलाई के महीने में राजस्थान के अजमेर में नाथ समाज के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के दौरान गोरख धंधा शब्द पर प्रतिबंध की मांग की गई थी। नाथ समाज के सदस्यों का कहना था कि गोरख धंधा शब्द का प्रयोग गलत अर्थों में हो रहा है, खासकर प्रिंट मीडिया और अन्य मीडिया में तथा सरकारी व राजनीतिक क्षेत्र में नकारात्मक तरीके से इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए सरकार सदन में बिल पास कर इस शब्द के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए। बता दें कि बीजेपी ने 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले जारी किए गए अपने घोषणा पत्र में ये वादा भी किया था कि अगर उसकी सरकार बनी तो गोरख धंधा शब्द को बैन कर देंगे। इसके अलावा यूपी में भी इस शब्द को बैन करने की मांग उठी थी। नाथ संप्रदाय के अनुयायियों ने यूपी के सीएम से इसे लेकर मांग भी की थी। नाथ संप्रदाय को मानने वालों के अनुसार गोरख धंधा शब्द योगी गुरु गोरखनाथ की योग साधना से जुड़ा हुआ शब्द है। योगी गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध योगी थे। गुरु गोरखनाथ ने योग की अलग अलग कठिन साधनाएं व आसन भी दिए हैं। कठिन साधनाओं को उस समय गोरख धंधा नाम से बोला जाता था। धीरे धीरे इस शब्द का इस्तेमाल गलत कामों को परिभाषित करने के लिए होने लगा। गुरु गोरखनाथ ने भारत समेत नेपाल, भूटान, तिब्बत आदि देशों में नाथ मठों की स्थापना की थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ भी गोरखनाथ संप्रदाय से ही संबंधित हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।